इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें एडिशन में फ्रेंचाइजी टीम चेन्नई सुपर किंग एक खिलाड़ी की वजह से अचानक विवादों में घिर गई थी। अनुभवी बल्लेबाज सुरेश रैना ने निजी कारणों से यूएई जाने के बाद टूर्नामेंट से छोड़कर भारत लौटने का फैसला लिया। हालांकि उन्होंने वापसी के भी संकेत दे दिए थे, लेकिन जैसे हालात में वो टीम को छोड़कर आए थे, उनकी वापसी अब पूरी तरीके से शायद नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब रैना के टूर्नामेंट में खेलने के सारे रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल टीम ने अपने आधिकारिक साइट से खिलाड़ियों की लिस्ट में सुरेश रैना का नाम हटा दिया है। वहीं मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग की साइट पर 22 सदस्य टीमों का नाम नजर आया, जिसमें रैना का नाम गायब था। इसका मतलब बिल्कुल साफ हो गया कि अब इस बल्लेबाज की टीम में वापसी हो पाना संभव नहीं है। नीचे चेन्नई सुपर किंग के आधिकारिक वेबसाइट पर दिख रहे खिलाड़ियों के नाम वो हैं जो इस समय टीम में मौजूद हैं। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग से ठीक पहले पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने के बाद रैना इस साल मैदान पर खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आईपीएल से नाम वापस लेने के बाद जिस तरह से टीम के मालिक एन श्रीनिवासन के बयान आए थे, उससे ये साफ हो गया था कि चेन्नई की टीम के खराब प्रदर्शन के बाद जब फैंस ने रैना की वापसी के लिए सोशल मीडिया पर गुहार लगाई तो भी इसको उन्होंने नाकार दिया और उन्होंने कहा था कि भरोसा रखिए, हमारी टीम एक बार फिर धमाकेदार वापसी करेगी। दरअसल टीम के मालिक ने साफ किया था कि वो टीम के मामलों में कोई भी दखल नहीं देते, वो खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर सकते हैं, लेकिन टीम के साथ रहना या छोड़ के जाने का फैसला खिलाड़ी का खुद का होता है। उन्होंने कहा था, मैंने टीम को खरीदा है, खिलाड़ियों को नहीं। अगर उनकी मर्जी हो तो वो खेल सकते हैं, अगर नहीं हो तो वो टीम को छोड़ के जा सकते हैं। खैर, सुरेश रैना को लेकर अब ये भी खबर वायरल होने लगी है कि सुरेश रैना का अब सीएसके की टीम में खेल पाना शायद अब मुश्किल है, क्योंकि अगले सीजन में शायद सुरेश रैना हमें सीएसके की टीम से खेलते हुए भी नजर नहीं आने वाले हैं। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।